हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं लिव लाइफ विद सजावट। ये मैंने मंगवाया है मीशो से टूथपेस्ट डिस्पेंसर, जो इस तरह की पैकिंग में मुझे रिसीव हुआ है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वाओ, पैकिंग आराम से खुल गई। नहीं तो कुछ इस तरह के होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत देते हैं खुलवाने में और इंसान थक जाता है इसकी अनबॉक्सिंग कर करके, बट ये बहुत ही जल्दी खुल गया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पता नहीं अंदर से कैसा निकलने वाला है। ये पिंक कलर का है, इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ब्लू। और इसका जो प्राइस है वो है 195, और मैंने रिव्यू काफ़ी अच्छे देखे थे इसकी, इसलिए मैंने ऑर्डर करा था। ये मुझे मिला है तोतैया कलर का, आई थिंक पैरट ग्रीन। और इसमें ये मेंशन भी कर रखा है किस तरह से आपको यूज़ करना है, ये देख सकते हैं आप। इसे यूज़ करना वैसे बहुत आसान है। तो देखिए, ये कुछ इस तरह का है। ये है टूथपेस्ट डिस्पेंसर और ये है टूथब्रश होल्डर। पैरेट ग्रीन कलर है इसका। इसका जो प्राइस है वो है 195, और ये इस प्राइस को वर्थ करता है। काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी दब नहीं रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। तो जो प्राइस मैंने पे किया है उसके लिए काफ़ी इनफ है, और इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था। ये मैंने मीशो से ले रखा है, तो रिव्यू देखकर जो भी मैं खरीदती हूँ सबसे पहले मैं रिव्यू देखती हूँ। तो यस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये। और इसमें आप अपना टूथब्रश रख सकते हो, हाइजीन की तरफ से काफ़ी अच्छा है ये। आपको इस तरह से ओपन करना है ये, और यहाँ आप अपना टूथब्रश रख लीजिएगा और फिर इसे इस तरह से बंद कर दीजिएगा। तो ये देखिए, जो बाथरूम में कीड़े मकोड़े होते हैं उससे हमारा टूथब्रश सेफ रहेगा। और अब इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इसे हमें इस तरह से खोलना है, थोड़ा सा टाइट है बट मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे खुल जाए, टूट के हाथ में ना आ जाए। तो ये इस तरह से खुलेगा ये, और जो भी आपका टूथपेस्ट है उसका ढक्कन खोल के आपको यहाँ पे अटैच कर देना है, इस साइड में अटैच कर देना है आपको। तो ये बहुत आसानी से यूज़ करना, और उसके बाद फिर से लॉक कर देना है इस तरह से आपको। तो जब भी आपका टूथपेस्ट ख़त्म हो जाए फिर से आपको इसी तरह से यूज़ करना है इसे। और मेरे पास टूथब्रश नहीं है, मैं पेंसिल की मदद से आपको बता देती हूँ किस तरह से यूज़ करना है। तो जो आपका ब्रश है, टूथब्रश, आपको इस तरह से यहाँ पर लगाना है और अंदर की तरफ पुश करना है, तो जो भी टूथपेस्ट है वो निकल जाएगा। और जितना भी आपको चाहिए उतना देर आप उसको पुश करें, और उसके बाद इस तरह से आप इसे निकाल लें, तो जो भी लिक्विड होगा, जो भी टूथपेस्ट होगा, वो आपके ब्रश में आ जाएगा। इस तरह से मैं अगेन आपको बता रही हूँ, इस तरह से यूज़ करना है। बहुत ईजी है इसे यूज़ करना, कोई भी इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो बात करूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, जैसे मैंने बताया है, कहीं किसी भी तरफ से टूटा फूटा नहीं है। और मीशो की जो सबसे अच्छी बात ये होती है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो रीज़नेबल प्राइस में मिलता है, किफ़ायती दाम में मिलता है। जो मैंने शॉपिंग करी है आज तक वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चार कलर हैं और आप देख सकते हो इस तरह से हमें जो टूथब्रश है इस तरह से हमें अटैच करना है, और यहाँ पर हमें जो टूथपेस्ट है वो इस तरह से अटैच करना है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने पूरा दे रखा है कि अगर आपका डैमेज निकलता है तो आप ये कॉल नंबर और व्हाट्सएप, ईमेल, किसी के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। और इसी के साथ मुझे डबल साइड टेप मिली है, आप चाहें तो इसमें कील लगाकर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं, या फिर आप टेप की मदद से भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर टेप लगानी है आपको, दो टेप हैं, एक इसके लिए है और एक टूथब्रश होल्डर के लिए है। यहाँ आपको लगानी है एक टेप यहाँ पे लगानी है। और जहाँ भी आप इसको अटैच करने वाले हैं वो सबसे पहले ध्यान दे लीजिएगा कि बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए,
किसी भी तरह का मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ये निकल जाएगा, टेप काम नहीं करेगा। अगर कील है तो काम कर सकता है ये, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है इसमें। और यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है किस तरह से यूज़ करना है इसे। जैसे मैंने बताया था बहुत इजी है इसे यूज़ करना, तो बस आपका जो सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरह की इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो निकल के हाथ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ गाइज आपको मेरी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। मिलती हूँ गाइज बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।